साथियों, आज हम फिर आ गए हैं तजिकोडोर सिरसा, जहां देखेंगे एक टाटा की चादर से बनी हुई डोर और विंडो, जो ना गलेंगी ना सड़ेंगी ना दीमक लगेगी ना उसमें सिला भी आएगी। तो चलिए देखते हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिविजन बिजनेस आइडिया में। सामने जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपको नमस्कार और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है तजिकोडोर श्री राम स्टील उद्योग सिरसा में जी। तो सिरसा में ये कौन सी जगह पर पड़ता है सर? सिरसा में अपना एड्रेस है जी तजिकोडोर श्री राम स्टील उद्योग, रानिया रोड, प्लॉट नंबर 67, सिरसा। तो आज जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं और अपना सपनों का घर संसार बनाने के मूड में है और ये चाहते हैं कि मेरा घर बिल्कुल हटके या कुछ अलग हो, तो उसके लिए आप और आपकी कंपनी क्या कुछ कर रहे हैं? जी सर, हम घर के लिए, देखो जिंदगी में कस्टमर एक बार घर बनाता है कोई भी पार्टी, अपनी मेहनत के पैसे से, गाड़ी कमाई से, तो उसमें जो सबसे जरूरी आइटम है डोर विंडो फ्रेम जी, वो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लाइफ हो, इसके लिए हमारी कंपनी डोर विंडो फ्रेम तैयार करती है जी। जी, तो इसमें अलग अलग हमारे पास वेराइटियाँ हैं, अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग इसका प्रोसीजर है, अलग अलग सब डिजाइनिंग है, तो इसके बारे में बात करते हैं जी। तो आप जो डोर या विंडो जो बना रहे हैं, जो खिड़की या दरवाजे बना रहे हैं, वो किस मटेरियल के बना रहे जी हैं? सर, आइए अपने जो यहाँ डिस्प्ले में लगे हुए अलग अलग सैंपल है, इसको हम दिखाते हैं। डोर विंडो फ्रेम बनाते हैं, साथ ही साथ डोर विंडो और फ्रेम के अंदर ये आप सामने देख रहे हो, इसमें SS स्टेनलेस स्टील का पूरा प्योर ग्रिल लगा हुआ है। ये मकान की सेफ्टी प्लस सुंदरता दोनों काम करते हैं। तो इसके अंदर जो ग्लास है, आप नॉर्मली ग्लास यूज कर सकते हो, इससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है और सुंदरता रहती है। और प्लस इसमें जो अंदर ग्रिल है, ये पूरा SS है, इस पर कोई पेंट वगैरह करने की भी इच्छा नहीं है, तो ना करो, ये हमेशा चमक मारता हुआ ऐसे ही रहेगा। इसमें अलग अलग सेक्शन है, डिजाइन है, आइए हम आपको दिखाते हैं जी। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे पॉलिश हो रखी है जी सर। तो बिल्कुल सामने से देखने के बाद में लगता है कि बिल्कुल जो है वुड का है, लकड़ी का है जी सर। इसकी शाइनिंग और इसकी ज्वाइंट फिनिशिंग देखिए, यहाँ ज्वाइंट लगा है या नहीं लगा है, ये सब CNC ऑटोमेटिक मशीनों से ये काम होता है, इसमें ज्वाइंट वगैरह का कोई इश्यू नहीं रहता। और प्लस इस पे जो इच्छा अनुसार आप मकान तैयार होने के बाद कोई भी पेंट करवा सकते हो, वुडन टाइप रेसे वाला, देखिए इसकी फिनिशिंग आप देखिए, लकड़ी से भी ज्यादा इसकी शाइनिंग और चमक रहेगी और फिनिशिंग लकड़ी से ज्यादा रहेगी। और इसके साइज हैं वुडन साइज और नॉर्मल साइज, कई तरह के साइज है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अभी जैसे कि होता है कि कभी सिंगल पताम चाहिए या डबल पताम चाहिए, तो क्या वो दोनों हो सकते हैं जी इसमें? सर जी सर, इसमें आप जहां रिक्वायरमेंट है सिंगल पैदाम, डबल अभी पैदाम, जैसे हम देख रहे हैं, तो ये सिंगल है, ये सिंगल पैदाम है, ये डबल पैदाम है, अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी बनवा, ये भी डबल है। अच्छा, ये तो पाइप आपने स्टील के लगाए हुए हैं, और ये किस चीज के हैं? ये भी स्टील का पाइप है, और ये स्टील के पाइप के ऊपर है ना, हमने कोटिंग की हुई है। अच्छा, ये भी करवा सकते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं ये पीस है, तो ये किस किस पर्पस से है? अब जैसे ये बहुत बड़ी वो है, ये कई बार कस्टमर जो भी है, जो घर बनाता है डोर विंडो फ्रेम लगाता है, उनकी डिमांड आती है भी इसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसके हमने ये दिखाया हुआ है, इस पे आप इच्छा अनुसार मकान तैयार होने के बाद जो मर्जी पेंट करवा सकते हैं। हाँ, मतलब जैसा तो इंटीरियर आप रखना चाहें। हाँ, कोई भी रख सकते हैं, इसमें पेंट का कोई इश्यू नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी अलग अलग टाइप के पेंट करवा सकते हैं। अब कस्टमर का ये हमारे पास सबसे पहला सवाल ये रहता है भी इसका सेक्शन का क्या साइज रहेगा और आगे का फ्रंट कितना रहेगा, तो ये चीजें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। दीवार की साइज हम रखते हैं 5.5, यानी कि प्लस्तर करके बिल्कुल एक्यूरेट बराबर आए, कोई किनारी नहीं बने। इसके बाद में आगे का बेस देखिए, ये 2 इंची है, और इसके बाद में वुडन साइज पे हम चलते हैं, ये देखिए 2.5 इंची आगे का बेस इसका चौड़ा हो गया, ठीक है जी। अब वुडन का फुल साइज, वुडन से भी मोटा, यानी कि 3 इंची, ये 3 इंची चौड़ा हो गया, और जो 9 इंची दीवार को कवरिंग पूरा चौड़ा करता है, ये देखिए पूरा 10 इंची हो गया, 9 इंची दीवार को पूरा आगे से पीछे से कवर करेगा, कोई किनारी नहीं बनेगी इसमें 10 इंची, बिल्कुल बिल्कुल एकदम फेस आएगा। अब 3 इंची चौड़ा हम क्यों बना रहे हैं, मकान अपना तैयार हो गया, इस पे पूरा जब पेंट करना है फाइनल पेंट, इस पे रेसे बना सकते हो, वुडन की शाइनिंग देनी है, तो इसके लिए आगे जगह पूरी खुली है, तो ये 3 इंची चौड़ा बनता है। अब इससे हट करके हमारे पास जो अलग डिजाइन अलग है जो मार्केट
से अलग है, हम मार्केट से अलग क्यों होते हैं, ये सेक्शन आपको दिखाते हैं। जैसे ये सिंगल पैदाम का है, इसमें देखिए आगे हमने आगे डिजाइनिंग कर दी, आगे से टेपर कर दिया है, ये सिंगल पैदाम का है। इसमें भी आप कोई भी सेक्शन 2, 2.5, 3 ले सकते हो। और दूसरा ये है जो आजकल जैसे ट्रैफिक ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा है, शोर शराबे ज़्यादा है, बड़े शहरों में कोई रोड के नज़दीक है जहाँ शोर शराबे की समस्या है, उसके लिए हमने ये सेक्शन तैयार, साउंड प्रूफ जो कमरे बना देते हैं उसके, साउंड प्रूफ तैयार किया है हमने। ये देखिए डोर और विंडो फ्रेम के ये बीच में है ना, डोर फ्रेम लगाएंगे, इसके बीच में हमने ग्रूमिंग करके रबड़ फ्रेमिंग दे दिया है। इसको पूरा प्रॉपर केमिकल से फिक्स कर देते हैं तो दरवाज़ा बंद प्रॉपर सील होता है, जैसे गाड़ी की खिड़की बंद होती है उसी तरीके से, ना तो इसमें अंदर की आवाज़ बाहर, ना बाहर की अंदर जाएगी। दूसरा ये है एसी का जमाना, ये कूलिंग को भी प्रॉपर फिक्स रखता है जी। तो ये होटलों में और जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रोड के ऊपर जो भी मकान बनते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त कामयाब है ये। तो भाई जी, सबसे जो बड़ी समस्या है डोर में या विंडो में जी, वो ये होता है कि पल्ले लटक गए, कब्जा झूल गया, उसमें ऐंच आ गई, फिर वो गेट लगना में दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके समाधान के लिए क्या सोचा है आपने? उसके समाधान के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी में अलग अलग डिजाइन के और एसएस के स्टेनलेस स्टील के प्योर कब्जे हैं, उसमें भी अपने पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है। देखिए ये देखिए, इस कब्जे की लंबाई 5 इंच है, इसकी मोटाई में पूरा 2.5 mm, और इस कब्जे के अंदर प्रॉपर बैरिंग लगे हुए है। ये देखिए 1, 2, 3, 4 प्रॉपर बैरिंग, घूमने के लिए 4 बैरिंग अंदर लगे हुए हैं, बैरिंग ही लगे हुए हैं। तो इसमें आप कोई भी कंपनी का कितना हेवी पल्ला लगाइए, जिंदगी भर कभी आपका फर्श पे नहीं लगेगा। ये बैरिंग का कब्जा है। इसके बाद में कई होते हैं जैसे सेफ्टी डोर होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं वो, स्टील के दरवाजे या लोहे के दरवाजे कई बार लगा लेते हैं मेन डोर, तो उसके देखे कब्जे की लंबाई पूरी 8 इंच है और मोटाई बहुत है, तो इसमें कितना हेवी दरवाजा लगा सकते हो। और जो आजकल चलते हैं बोर्ड के या पलाई के दरवाजे, उनके लिए ये देखिए कब्जे की लंबाई 5 इंच और मोटाई में मोटा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त एसएस का कब्जा है। बाकी इससे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा पल्ला कितने वेट का लगाना है उस हिसाब से अलग अलग कब्जे आप देख रहे हो, तो हमारे पास हाँ मतलब कस्टमाइज भी हो जाएगा, जो जैसा चाहेगा वो वैसा उसके लिए दे दिया जाएगा। हाँ, तो भाई जी आपकी जो कंपनी है ये जापानी चादर की जो चौखट और विंडो है ये तो बहुत दिन से बना रही है, लेकिन आपने कुछ नया हट के क्या किया है? जी सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पीपीजीआई सीट है जीएसडब्ल्यू कंपनी की, इतने सालों से हम सेवा दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा और सुपीरियर प्रोडक्ट है, लेकिन टाइम के अनुसार क्वालिटी के अनुसार हर चीजें चेंज होनी चाहिए, तो हमने भी ये चेंज कर दिया है। ये न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये ऑल ओवर इंडिया सुपीरियर डोर विंडो फ्रेम के लिए एक नंबर और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। इसमें ये आप देख रहे हो, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग किया गया है, टाटा कंपनी की शीट है, और जैसे गाड़ियों कारों में पेंट होता है उस प्रोसीजर से किया गया है। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है, इसके ऊपर आप फाइनल पेंट करिए ना करिए आपकी इच्छा है, लेकिन इससे जो पहले वाला प्रोडक्ट है इसकी लाइफ उससे और भी ज़्यादा है और क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, बेस्ट क्वालिटी। तो चल के देखते हैं आप इसे कहां और कैसे तैयार कर रहे हैं। जी, इसका अपना न्यू प्लांट में आपकी विजिट करवाते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में देखिए अच्छे से और इसको पहचानिए। जी, ये हमारा न्यू प्लांट है और यहाँ हम अलग वैरायटी से, अलग प्रोसीजर से, अलग सिस्टम से ये तैयार माल होता है। ये तैयार माल, रेडी माल अब ये आपके सामने है। जो ये प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया सुपीरियर, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है डोर विंडो फ्रेम के लिए। देखते ही बनता है भाई जी के बस जी। बहुत ही भारी भरकम, जैसे आप ही देख रहे हैं साइड में ये जो भारी भरकम जो चीज है, ये क्या 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 हाँ, सिस्टम है ये? जी, ये सब घरों में लगने के लिए रेडी। अच्छा, अलग ये पूरा अलग प्रोडक्ट है। हाँ, पूरा गेट और साइड में जो है डोर प्लस विंडो, इसके साथ डोर प्लस विंडो, ये मेन एंट्रेंस का गेट है, ये डोर है और साइड में विंडो है, और इसकी जो आप चौड़ाई भी देखोगे पूरा वॉल को पूरा एकदम कवरिंग पूरी करेगा, पूरी दीवार कवर करेगा। जी जी, पूरा कवरिंग करेगा, और इसमें कब्जे वगैरह देखोगे सब बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट, दोनों तरफ सुपीरियर। अब ये जो है ये इसमें क्या, इधर विंडो और इधर गेट, इधर गेट है एक साइड का, जी जी, वो डबल साइड का। हाँ, और ये एक दूसरा अलग डिजाइन है। हाँ जी, ये भी, ये जो डिजाइन है सब अपने अपने तरीके से अलग अलग साइज से जो डिजाइन देते हैं वो तैयार हो जाते हैं। कस्टमाइज कोई कराना चाहे ये जिस तरीके से टाटा कंपनी का, और इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है, जैसे गाड़ियों कारों में कोटिंग होती है उसी प्रोसीजर से, हीटिंग सिस्टम से कोटिंग की गई है। ये लाइफ टाइम है, कभी भी उतरेगी नहीं,
आपको इसको स्क्रैच करोगे तब भी ये नहीं उतरेगा, पाउडर कोटिंग है ये, घिस घिस के उतरेगा जी। तो भाई जी जो हमारे दर्शक हैं उनसे और ये जो नए प्रोसीजर से आप बता रहे हैं इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रोडक्ट है, जो पहले प्रोडक्ट था JSW कंपनी का PPGI, उसी से हमने इसको सुपीरियर कर दिया है जी। इसको पाउडर कोटिंग हीटिंग सिस्टम से तैयार करने के लिए इसकी हमने लाइफ बढ़ा दी है। ये जो है आप कोई भी कितना ही कॉस्टली, जैसे कोई विला बन रहे हैं, हाई फाई जैसे कोठियां बन रही है, जो जिसमें चाहते हैं सांगवान की बहुत महंगी और कॉस्टली लकड़ी लगाएंगे, उनके लिए हमने वुडन से भी बेस्ट प्रोडक्ट तैयार कर दिया है। इसमें लाइफ टाइम ये गारंटी वाला काम है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कोई सिलन की, कोई जंग की, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पत्थर से, लकड़ी से, सब चीज़ से बेस्ट है और ये सुपीरियर प्रोडक्ट है। तो भाई जी अगर कोई ये वीडियो देखने के बाद में अपने घर में ये चीज़ें, आपके प्रोडक्ट लगाना चाहे तो वो कहाँ कॉन्टैक्ट करें, कैसे कॉन्टैक्ट करें? हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, ऑफिस का नंबर आपको लगातार नीचे दिखाया जा रहा है। यहाँ से अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस भी बने हुए हैं, वहाँ से आप आपके नियर बाई ऑफिस का नंबर लेकर के आप संपर्क कर सकते हो। तो भाई जी आपने जो है घर बनाने वाले लोगों के लिए इतना अच्छा एक प्रोडक्ट तैयार किया और उसके बारे में सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी।